नौ साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय इस वक्त इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। एक और बड़ा सवाल है और यह बड़ा सवाल हम सबके मन में आना चाहिए क्योंकि सरकार आपको खर्रे बताने लगती है, हां हमने कर्जा लिया, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। इसका फायदा किसको हो रहा है? क्या इसका फायदा गरीब को हो रहा है? क्या इसका फायदा मध्यम वर्ग को हो रहा है? क्या इसका फायदा निम्न मध्यम वर्ग को, आम आदमी को, युवा को, स्टूडेंट को हो रहा है? आप सुनकर बहुत चक्के रह जाएंगे कि ये जो इतना बड़ा बड़ा कर्जा उठाया जा रहा है, हमें और आपको कर्जे के तले दबाया जा रहा है, इसका फायदा न गरीब को है न मध्यम वर्ग को है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को है। इस कर्जा लेने के दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए, 83% लोगों की आय कम हुई, 11,000 से ज्यादा तो लघु मध्यम उद्योग जिनको एमएसएमई कहा जाता है वो पिछले साल ही बंद हो गए, लेकिन जो अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 पर थी वो जरूर बढ़ के 166 पर पहुंच गई। तो इसका फायदा भी सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों को, अमीरों को और मोदी जी के परम प्रिय मित्रों को हो रहा है। अब दूसरा सवाल उठता है, ठीक है उनको फायदा हो रहा है भाई, वो तो पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, अगर मोदी जी की सुन लीजिए, हमारा आपका क्या योगदान है, हम कुछ नहीं करते हैं, वो 10% लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सत्य उससे विपरीत है क्योंकि ना वो भारत की विकास दर में अपना योगदान दे रहे हैं ना टैक्स दे रहे हैं उतना। टैक्स वसूली हमसे, आपसे, गरीबों से, निम्न मध्यम वर्ग से करी जा रही है, कर्जा हमारे ऊपर लादा जा रहा है और सारा का सारा लाभ पूंजीपतियों को मिल रहा है। और इसीलिए जो दूसरा एक मुद्दा है पिछले 9 सालों का, एक तो है कि कर्जा तिगुना कर दिया, 100 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया 9 सालों में, और दूसरा एक है जो ये कहेंगे और कहते कहते थकते नहीं है, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया। इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा बड़ा कुतर्क और इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन का कोई और बयान और शर्मिंदगी का ये सरकार दे नहीं सकती है क्योंकि इसकी भी असलियत सुन लीजिए और ये असलियत सुननी और समझनी दोनों जरूरी है। जो भयावह आर्थिक असमानता है इस देश में उसका नतीजा है कि जो सबसे निचला 50% इस देश का तबका है, अगर इस देश की आबादी को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, 50% अमीर और 50% सबसे निचला तबका, तो जो 50% सबसे निचला तबका है वो जीएसटी कलेक्शन का 64% पैसा दे रहा है। सबसे गरीब 50% जीएसटी का 2/3 से ज्यादा पैसा दे रहा है, 64%। मध्यम वर्ग 40% जीएसटी का पैसा दे रहा है,
लेकिन क्या आप ये सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि जो 10% लोग जिनके हाथ में हिंदुस्तान के 80% संसाधन और संपत्ति है, वो मात्र 3-4% समूचे जीएसटी कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं। सबसे गरीब 50% इस देश की जनता सारे जीएसटी का 64% दे रही है, उनके पात्र इस पास इस देश की मात्र 3% संपत्ति है, और जिन 10% की इस देश की 80% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं। क्योंकि एक बात साफ है और ये पानी की तरह साफ है कि आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, इन सब पर जीएसटी लगाकर जो वसूली सरकार कर रही है उसका खामियाजा तो गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा तो मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है, धन्ना सेठ तो सब मस्त है। लेकिन सरकार सब कुछ जानते बूझते हुए भी सिर्फ और सिर्फ छुपाने पर तथ्यों को तुली हुई है। ये सारी चीजें कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही है, इन सारी चीजों का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कंजम्पशन मतलब उपभोग होता है। हमारा उपभोग जीडीपी का 61.1% था, वित्तीय वर्ष 2022 में वो गिरकर 60% पर आ गया है, अभी हाल ही के जीडीपी डेटा में, जिसको लेकर ये कसीदे पढ़ रहे थे। ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है कि देश के लोग गरीबी के चलते, महंगाई के चलते, टैक्स वसूली के चलते कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम उपभोग कर रहे हैं। यह गरीबी का सबसे बड़ा सूचक होता है। वसूली तो आप ही की जेबों से हो रही है, डाका तो आप ही के पर्स पे पड़ रहा है, आप ही के घर के बजट पर पड़ रहा है। इस देश में अगर परचेजिंग पावर ऑफ रुपी की पैरिटी से देखा जाए तो सबसे महंगी दुनिया की रसोई गैस भारत में बिक रही है, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिक रहा है, आठवां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। तो भैया अच्छे दिन किसके आए हैं, कहां है वो मायावी अच्छे दिन जो आ ही नहीं पाए हैं? कर्जे के तले हम दबे हैं, उपभोग हम कम कर रहे हैं, महंगाई से हम त्रस्त हैं, लगातार पेट्रोल डीजल एलपीजी के दामों को बढ़ाया जा रहा है। और अंत में एक बात मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहनी जरूरी है कि जो टैक्स वसूली हो रही है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी फ्यूल के थ्रू हो, जहां पर आपको महंगा एलपीजी, महंगी पेट्रोल, महंगी डीजल और डीजल के महंगे होते बाकी फल फ्रूट सब्जी जो सब महंगी है, उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव मोदी जी के मित्र मंडली पर नहीं पड़ रहा है, धन्ना सेठों पर नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए अंत में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते थे मान्यवर, बातें तो ऐसी करते थे कि दिल्ली में बैठी हुई एक इनकॉम्पिटेंट करप्ट सरकार है। वो अलंकार, वो नाकामी के, वो निकम्मेपन के, वो भ्रष्टाचार के अलंकार अब मोदी सरकार से ज्यादा अलंकृत किसी को नहीं करते हैं। और इसीलिए हम इस मंच से मांग करते हैं कि इस देश को कर्जे के तरह दबाने के लिए, इस देश में टैक्स वसूली के चलते, इस देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो ना आप सुर्खियों से ठीक कर सकते हैं ना आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए तो आपको आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। लेकिन इस मंच से हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं क्योंकि भयावह स्थिति भारत की इकोनॉमी की है और उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए।